नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे आईपीएम टीवी 9 न्यूज और डब्ल्यू न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूँ। और संविधान चौक पर यह सफाई कर्मचारियों का एक शिष्टमंडल दिख रहा है और नारे निदर्शनी यहाँ पे हो रही है। किस मांग को लेकर ये नारे निदर्शनी किए जा रहे हैं, अपन उन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा प्रकाश चमके। मैं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी अंतर्गत सफाई कामगार सेल का अध्यक्ष हूँ और अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस में पूर्व महामंत्री था। किस मांग को लेकर आज आप नारे निदर्शन कर रहे हो? ये जो मांग हमारी 2019 से लगातार चलते आ रही है, 2019 से लगातार पत्र व्यवहार चलते आ रहा है सरकार से और अपना डिपार्टमेंट से, और मांग हमारी यही है कि चलते हमारे यहाँ रेगुलर भर्ती चालू थी, हर महीने में 100 लोग 50 लोग 100 लोग 50 लोग ऐसा निरंतर ऑर्डर निकलते थे। एकाएक ही अचानक अन्य जाति के वजह से अचानक हमारा औरंगाबाद कोर्ट से बंदी आ गई नौकरी पर, तो वो बंदी के लिए कोर्ट में वहाँ पे पिटीशन भी दायर की गई, सब कुछ हुआ, लड़ाई चल रही कोर्ट में भी, पर कोर्ट ने उन सभी के दस्तावेज देखकर, संगठन के भी दस्तावेज देखा उन्होंने, मंत्रिमंडल के भी दस्तावेज देखा, दोनों तरफ के वकीलों को बुलाकर उनसे पेपर लेकर उनका अग्रीमेंट हुआ, और अग्रीमेंट के बाद में कोर्ट ने जो परिपत्रक निकाला वो परिपत्रक में स्पष्ट कोर्ट ने लिखा है मेहतर भंगी वाल्मीकि का साथी बंदी नहीं। इसका मतलब कोर्ट के पिटीशन से हमारा कोई मतलब ही नहीं, वो अन्य जाति के लिए पिटीशन है। मैंने सफाई कर्मचारी को लिया जाए यही मांगे ना, यही मांगा है सफाई कर्मचारी को लिया जाए, और कोर्ट ने भी अपने पत्र में लिखा है, सीधा स्पष्ट लिखा है कि मेहतर वाल्मीकि भंगी या समाज वाला बंदी नहीं। तो इसका मतलब है कि हमारे को बंदी नहीं है, तो अधिकारी हमको गुमराह कर रहा है। कि कौन अधिकारी है वो? अजय पवार, ये मंत्रालय में बैठता है अजय पवार, वो गुमराह कर रहा है। नागपुर महानगर पालिका ने स्पष्ट भेजा वहाँ पत्र कि हमको शुद्धिकरण करके दो कि इनको भर्ती देना या नहीं देना, तो उसने वहाँ से लिख के भेज दिया पत्र के अंदर कि औरंगाबाद कोर्ट में पिटीशन दायर होने के कारण ये बंदी पर नौकरी अभी बंदी है, जिसमें कि कोर्ट ने पत्र दिया है विषय क्रमांक 4 में लिखा है डायरेक्ट मेहतर वाल्मीकि भंगी या समाज वाला बंदी नहीं। तो एक अधिकारी समाज का नुकसान कर रहा है, 4 महीने से भर्ती रुकी हुई है, ये बराबर नहीं है। वो अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए जो समाज को गुमराह कर रहा है। ये समाज अशिक्षित समाज है, अशिक्षित। अभी जैसे जैसे इसका परिवर्तन हो रहा है, पढ़े लिखे बच्चे पढ़े लिख रहे, वैसा वैसा इसका उद्धार हो रहा है। आज 4 महीने से लड़के लोग बेरोजगारी में घूम रहे, इसका भुगतान कौन भोगेगा? हर महीने हमारे यहाँ 100 लोग 150 लोगों की नियुक्ति होती है, आज 4 महीने से नियुक्ति बढ़ी है, लड़के बेरोजगार घूम रहे। ये अजय पवार की एक गलती के कारण हमारे लड़के 4 महीने से बेरोजगार घूम रहे। तो हमारा वही है, आज का हमारा ये उद्देश्य था 31 जुलाई ये सफाई कर्मचारियों का सत्कार करना और एक निवेदन कलेक्टर को देना अजय पवार के नाम से। उसी के संदर्भ में सारे संगठन ये कुर्ती समिति के माध्यम से आज इकट्ठा हुए हैं, और मैं सभी से कुर्ती समिति के जो आयोजक है हमारे विक्की जी बड़े, यहाँ के जितने भी वरिष्ठ कुर्ती समिति के, सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो कुर्ती समिति के माध्यम से आज ये सफाई कर्मचारियों का सत्कार का भी कार्यक्रम किया और एक निवेदन भी कलेक्टर को देने जा रहे हैं। इसके संदर्भ में सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ और जय भीम। एक बताइए कि जो कर्मचारी जो है सफाई कर्मचारी, इनकी भर्ती 4 महीने से बंद है, क्या लगता है आपको कि कई तो भी जो अधिकारी है वो दिशा भूल कर रहा है सरकार की, प्रशासन की? आपका नाम बताइए। मेरा नाम विक्की प्रकाश बड़ेल है, मैं अखिल भारतीय सपा मजदूर कांग्रेस संगठन में महाराष्ट्र सचिव पद में काम कर रहा हूँ। पूरे पिछले 4 महीने से अगर देखा जाए, लाड़पा के समिति वारसक जीआर 1975 से मेहतर वाल्मीकि समाज को लागू है। इस जीआर के अंतर्गत 30 दिन के अंदर में नियुक्ति पत्र उसके वारसक को देना शासन निर्णय में कंपलसरी है। 1975 से निरंतर चले आ रहे इस जीआर पे इस बार महाराष्ट्र शासन द्वारा इस तरीके का कोर्ट का निर्णय दिखा करके इस पूरे नियुक्ति प्रक्रिया में इस तरीके की रोकथाम लगाना, लेकिन जो औरंगाबाद कोर्ट का जो आदेश है वो तो मेहतर वाल्मीकि समाज के लिए नहीं है ना, उनको उनके लिए तो ये आदेश नहीं है ना, फिर ये क्यों ऐसी दिशा भूल कर रहा है अधिकारी? मंत्रालय में सफाई कर्मचारियों के लिए वेगड़ा कक्ष बनाया गया है, तो इस व्यतिरिक्त कक्ष में कक्ष अधिकारी अजय पवार को बनाया गया है,
वो अजय पवार सफाई कामगारों को न्याय हक देने में समस्व नहीं है। वो हमेशा गड़बड़ी करता है और हमेशा लाज लुपत खा करके पैसा खा करके सफाई कामगारों के हित के निर्णय देता है। तो इस बार स्थगिति का वो बहुत बड़ा फायदा उठा रहा है। मेतर वाल्मीकि समाज छोड़ के इतर समाज को स्थगिति है, लेकिन बारंबार विनंती करने के बाद भी नागपुर से मुंबई का सभी विदर्भ से उनको निवेदन जाने के बाद भी एक शुद्धि परिपत्रक निकालने का उनके पास समय नहीं। मैं बताना चाहूँगा कि मैतर वाल्मीकि समाज जो है उनको उनके नौकर भर्ती में कोई यानी बंदी नहीं है, और जो औरंगाबाद कोर्ट ने जो निर्णय दिया है मैतर और जो वाल्मीकि समाज होता है उनको उनके लिए बंदी नहीं है, लेकिन जो मंत्रालय में एक अधिकारी बैठे हैं पवार साहब उन्होंने एक दिशा भूल कर रहे हैं मैतर वाल्मीकि समाज की। और पिछले चार महीनों से ये जो सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती है वो बंद रखी है। इनकी एक ही मांग है कि जो पवार जो वहाँ पे बैठे हैं उनके उन्हें यानी वो दिशा भूल न करें, और जो चार महीनों से जो नौकर भर्ती सफाई कर्मचारियों में जो बंदी लाई है वो उठाई जाए, और जो वाल्मीकि मैतर समाज है उनके जो युवा है उनको सफाई कर्मचारियों में की नियुक्ति दी जाए। यही मांग को लेकर आज यहाँ पर संविधान चौक पर ये जो सफाई कर्मचारियों के जो नेता है यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और नारे निदर्शने कर रहे हैं। इन्होंने एक निवेदन भी दिए है नागपुर जिलाधिकारी को कि ये जल्दी से जल्द ये जो आदेश जो है आदेश का पालन करें, वरना हम आंदोलन करेंगे, ऐसी इशारा भी उन्होंने दिया है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार।